तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये वाला मशरूम है, ये पूरा किसमें जाना है ऋतु जी, मॉर्निंग में ये वाला खाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मैं एकदम सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, और हमारे साथ ये हमारा डॉन जो है, ये डॉन है, स्कूल जाएगा तो आज मेरे साथ ही जाएगा बोल रहा था। अभी हम लोग जा रहे हैं इसके स्कूल में, इसको स्कूल में छोड़ने के लिए। तो इधर इसका पानी बोतल भी ले चुके हैं, इसको भी लेके जाना पड़ेगा। इसके पापा आगे वेट कर रहे हैं। चलो आज बोलेगा नहीं कुछ, नहीं बोलेगा आज, आज अभी वीडियो में बस शांति दे रहे ना। चलाक बच्चा है, बहुत बहुत शरारती है। चलो इसको लेके चलते, रेनकोट पहनना है। और भैया का हो गया बाबू, ये लो पानी बोतल। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बाबू के स्कूल के बाहर है अभी, वैसे मैं अंदर नहीं देखी हूँ। ये लो स्वेटर भी लगाया है, ठंडा लग रहा है इधर। बाय बाय करो, बाय, भाग रहे स्पीड में। तो यहाँ का स्कूल में थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ से मैं सोची थोड़ा बहुत आप लोग को ये शिलोंग का स्कूल भी दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ इतने बड़े स्कूल है, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद देखने को मिला बहुत ही बड़ा स्कूल है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, वैसे मैं पूरा अंदर नहीं जाऊँगी लेकिन बाहर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वैसे उधर नहीं जाऊँगी, बहुत ही बड़ा स्कूल है, लेकिन जो भी बोलो। चलते हैं इधर कुछ इतना सारा देख सकते हैं। एकदम सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय इधर, और चाय के साथ एकदम ब्रेड का। भाभी क्या बना रही है बताइए तो, इसमें अंडा डाल के ना, इसमें अंडा इससे डाल के और फ्राई कर रही है। सब यहाँ फ्राई करके रख चुकी है, तभी हम लोग मॉर्निंग में ये वाला खाएंगे भाभी के हाथ से। भाभी क्या क्या स्पेशल खिला रही है हम लोग को। तो आज कहाँ जाएंगे वैसे कुछ प्लानिंग नहीं, अभी आगे भाभी का बेटा आ जाएगा उसके बाद, तब तक के लिए चाय पीते हैं। तो अभी मैं नहा धोया कि मस्त फ्रेश भी हो चुकी हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा देर में कहीं जाने वाले हैं। वैसे एग्जैक्ट पता नहीं है कि जाने वाले कहाँ है मुझे, वैसे भैया लोगों को पता है कि जाएंगे कहाँ पे, जहाँ भी जाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी चलते हैं, थोड़ा भाभी ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही है, ब्रेकफास्ट मतलब बोले लंच बना रही है। ब्रेकफास्ट में हम लोग चाय और वो खाए थे, उससे अपना ब्रेकफास्ट हो चुका था, चाय मैंगो और ब्रेड खाए थे। तो अभी चलते हैं, क्या बना रही है भाभी आपको दिखाते हैं, और फिर हमारे साथ फिर आज जो जो कल लोग गए थे वो सब लोग एक साथ घूमने के लिए जाएंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे यहाँ आके नए लोग के साथ घूमने में। तो यहाँ अभी भाभी बनाई है पूरा बनाना फ्लावर की सब्जी, जो एकदम टेस्टी सा, जो अपने घर पर बनता है उससे भी टेस्टी बनाई है। और यहाँ चावल बना के रख, चावल बनाइए, देख सकते हैं चावल, वैसे दिखा रही हूँ थोड़ा से, अभी चावल बना नहीं पूरा। तो अभी यहाँ शायद दाल बनाएगी, दाल बैठाएंगी अभी। तो यहाँ आज के डिनर स्पेशल पे भाभी कुछ स्पेशल चीज़ बनाने वाली है, जो मुझे पता नहीं इसको बनाया कैसे जाता है। तो भाभी बना के आज खिलाएगी हम लोग को मशरूम, मशरूम है ना, इसको कैसे बनाएंगे वो पूरा रेसिपी मैं आप लोग को रात को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इसको हम लोग फ्रिज में रख रहे हैं। भाभी किस में रखेंगे, यहाँ अभी फ्रिज में रहेगा, ये आने के बाद बनेगा। और यहाँ ये लड़का आ चुका है पूरा 12:30 को, 12:30 हो रहा है ना, हाँ 12:30 तक आ चुका है। तभी इसका चालू हो जाएगा बदमाशी ना, आज नहीं करेगा, आज शांति हो जाएगा। यहाँ कपड़ा डालने का जगह कुछ देख सकते हैं आप लोग, एकदम इधर ऊपर से ये नीचे के साइड में, और मैं थोड़ा सा ऊपर से दिखाऊंगी आप लोगों को कहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इधर से उठ के। तो भाभी इधर कपड़े वगैरह धो के डाल रही है, धूप निकला है आजकल तो बारिश से परेशान थे। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ वो वाले रूम में हम लोग रहते हैं, और ये वाला रूम में भैया रहते हैं। तो हम लोग का रूम सामने सामने है, ये भाभी का रूम में रहते हैं। तो यहाँ अपना लंच बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं भाभी ने क्या क्या स्पेशल लंच बनाया हमारे लिए। इधर है धनिया का चटनी, नींबू, और ये आम का अचार, यहाँ प्याज, ये बनाना फ्लावर की सब्जी मैं आप लोगों को दिखाई थी, और यहाँ एकदम छौंका लगा के टेस्टी वाला दाल। तभी लंच करके फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। तो कहाँ जाएंगे वो आप लोग बने रहे, देखने को मिलेगा। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और कहाँ जाएंगे ये सब ब्यूटीफुल गर्ल को पता है। तो आप लोग देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कितना सुंदर दिख रहा होगा। हम लोग जाएंगे ऑर्किड लेक, ऑर्किड लेक कहाँ पे है वैसे मुझे कुछ पता नहीं है। तो इनके साथ जाएंगे और ये दिखाएंगे अभी, और हम लोग भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाने का कोशिश करेंगे जितना हो सके। प्लीज फोटोग्राफ, प्लीज इंट्रोडक्शन अपना, आज नहीं दिखाएंगे, आज लग रही शर्मा रही है लड़की, खीरा बेच के कल किसी ने मेरा खीरा खरीदा ही नहीं है, तब से मैं अपना मुंह दिखाने आज कुछ आज तमुल
बस दीजिएगा चलिए शिलोंग में। ठीक है ठीक है, वो तो जरूर बेच पाऊंगी क्योंकि यहाँ के लोग तामुल का दीवाना है। आज तामुल बेचेंगी ये, तामुल हम लोग खरीद लेंगे, कोई खरीदेना टेस्ट करेंगे इनका तामुल का। अभी सब लोग निकलेंगे बाहर, वैसे अभी पैदल जाने का डिसाइड है, अगर ऑटो मिल जाए तो जाएंगे ऑटो में, नहीं तो पैदल पैदल चलना पड़ेगा आज। यहाँ अपना ऑटो भी आ चुका है, तभी हम लोग ये ऑटो से जाएंगे। कहाँ जाएंगे, जगह का नाम मैं भूल जाती हूँ बार बार, जगह का नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ। ऑर्किड, ऑर्किड जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे फर्स्ट टाइम, बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम सब कुछ अपने लिए। यहाँ अपना ऑटो खुलेगा, यहाँ का ऑटो कुछ थोड़ा अलग ही है, पूरा पैकिंग वगैरह है। यहाँ का रास्ता देख सकते हैं आप लोग, कितना मुश्किल है, एकदम अच्छे रास्ते नहीं है, कितने मुश्किल से लोग यहाँ रहते हैं। अभी यहाँ से हम लोग ऑटो में उठ चुके हैं, तो ये वाला रास्ता को पूरा क्रॉस करके फिर जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट में, और यहाँ से पता नहीं कितना दूर चलना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे बस छोटा मोटा दुकान वगैरह लगा कर रखे, कुछ कुछ सब्जी वगैरह लोकल लोकल। यहाँ पानी ले रही है भाभी, और रितु दीदी लोग आगे जा चुके हैं, तभी हम लोग भी जाएंगे सब लोग एक साथ। और भैया और अंजिका पहले ही जा चुकी है, उन लोग कहाँ गए अभी उन लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ये रिजोर्ट में एंट्री करने वाले हैं, ऑर्किड लेक रिजोर्ट। तो यहाँ सब लोग जा चुके हैं, उधर जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा पीछे हो गई हूँ, अभी चलते हैं। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं अंदर, और यहाँ भैया लोग का पैसा गया 120 रुपीज़ बेकार में, तो उन लोग बाहर के थे बोल के उनका एंट्री फीस लिया। और यहाँ का जो लोकल लोग रहते हैं, मतलब जो यहाँ रहने वाले रहते हैं, उनका यहाँ एंट्री फीस नहीं है, नहीं तो एक आदमी का 60 रुपीज़ ना भाभी, एक आदमी का 60 रुपीज़ एंट्री फीस है। तो यहाँ अपना पैसा बच चुका है भाभी लोग की वजह से, नहीं तो भैया लोग के साथ आते तो फिर से वहाँ भी चूना लग जाता। तो भैया लोग जल्दी जल्दी आए तो उनका चूना लगा, तो कोई अच्छा बात है ये भी एक, जहाँ पैसा इतना रख के करेंगे क्या, कहीं ना कहीं दे के वेस्ट करो, ये वाला सीन हो रहा है। तो अभी देखेंगे अंदर की ओर भैया लोग कब तक मिलते हैं, वैसे अभी हम लोग बस रास्ते में चल ही रहे, तो कब तक उनसे मुलाकात होगा। तो यहाँ हम लोग एंट्री मार चुके हैं, तो इधर पार्किंग है कुछ इस तरह से, तो अभी हम लोग इधर जाएंगे। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं बोटिंग करने के लिए। तो ये वाला कौन सा वाला है भाभी हम लोग का, कितना जन जाएंगे एक में, एक में कितना जन जा रहे, पता नहीं है। ओ, उसमें जाएंगे ना अभी, नहीं लीजिए वो लोग को। किस में जाना है रितु जी, रितु जी, रितु जी किस में जाना है हम लोग को, एक टिकट का कितना पड़े, 120 एक टिकट का। तो यहाँ हम लोग के लोग में कितने होंगे, इसमें उठेंगे अभी हम लोग, और उधर भैया लोग उसमें नाव में वोटिंग किए। तो यहाँ अभी सब लोग रेडी हो चुके जाने के लिए, तभी मुझे भी घुसना पड़ेगा। वैसे डर लग रहा है रितु दीदी हमको। हाँ मेरा जगह कहाँ बचा है, मेरा जगह पीछे है। मामा हाय, मिलेंगे फिर कभी। तो यहाँ अभी सब लोग बैठ चुके हैं, और अभी स्टार्ट हो गए यहाँ से। वैसे मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा मुझे डर लग रहा है, फिर भी सब लोग हैं तो कोई नहीं। तभी भैया लोग तो नाव में घूमे, इधर हमारा ग्रुप, हाय इधर, हाय सकीना, फोटो लीजिए तो, हाय इधर से, हाय ये अपना राइड, हाँ फोटो ले ले ले, रुकिए कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ये सब तो घूमने के लिए आ रहा था ना हम लोग, आज का वेदर अच्छा है, कल वाला था हम लोग का पैसा आधा चला गया खत्म। वेदर पूछो ये मत कि ज्यादा, मतलब धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है। कल वाला क्या हो गया था, कल वाला भी अच्छा है, फिर भी बहुत ही मस्ती किया था बारिश में, पास में तो बहुत इमोशनल हुई थी मैं, इतना दूर से आके घूमने के लिए बारिश बाद में, बाद में फिर जब एक बार भीग गए तो मजा ही आ रहा था भीगने में, कि चलो अब भीगते हैं पूरा। और तभी इसमें कितना देर लग रहा है, ज्यादा नहीं, उसमें तो लिखा हुआ था ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए बस 120 रुपीज देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ का मजा तो ले रहे हम लोग, पैसा क्या आज है कल नहीं, लेकिन घूमने का मजा तो ले रहा है ना। अभी हम लोग आ चुके हैं इस पे अपना 120 रुपीज दे के बस 5 मिनट के लिए। तभी ये दूसरे लोग उठ रहे हैं, तभी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आगे में जो दिखाया, हाँ वो साइड साइड में जो नीचे नीचे, और ठीक है तभी कहाँ कहाँ जाएंगे और दिखाएंगे थोड़ा आप लोगों को।
यहाँ अभी हम लोग रुके हुए हैं। ये जितने भी ड्रेस देख रहे हैं यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है और इनके साथ अभी हमारा फोटो शूट हुआ है कुछ, और अभी इन लोग फोटो शूट करवा रहे हैं हम लोग को अपने साथ। अभी यहाँ जल्दी लग चुकी है, यहाँ देख सकते हैं इनका ड्रेस का कुछ, ये ड्रेस इनका इतना। हाय सब, हाय लोग कर रहे, सब हाय कीजिए, हाय कीजिए आप लोग। तभी इनके साथ एक दो फोटो शूट करवा लेते हैं। तो ये आप लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो मैं इनको दिखाती हूँ ड्रेस, देख सकते हैं कपड़े के ऊपर बस ये कुछ अजीब तरीके से लगाए हैं। ये कुछ ये खुला होता है क्या? ये खुला होता है, पिन लगाना पड़ता है ना। ये मैं जब से आई तब से देख रही थी, फिर अभी इनको पूछ रही हूँ मैं, तभी यहाँ सब खड़े हो चुके फोटो के लिए, तो चलते फोटो के लिए। रितु दीदी कहाँ जा रहे हैं? और रितु दीदी कहाँ जा रहे हैं? आप ही अच्छे से हर जगह का नाम बोल पाती, मैं बोल नहीं पाती हूँ। ओके, ओके, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे हम कैसा नजारा है, रितु दीदी के जैसा नजारा है कि मेरे जैसा नजारा है। तो अभी हम लोग ये वाले ब्रिज से जाने वाले थे, लेकिन इसका गेट बंद है, इसके वजह से हम लोग को नीचे से जाना पड़ रहा है चल चल के। तो इधर से जाएंगे और पता नहीं ये रास्ता कहाँ एंडिंग होगा, कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम है सब कुछ। तो अभी हम लोग इसके ऊपर उठने वाले हैं। हाँ यही एंडिंग हो गया। ओ हमको तो लगा कुछ होगा नीचे, हमको भी लगा, नहीं तो हमको लगा इधर से कोई नदी वगैरह मिलेगा, लेकिन ये तो यहाँ एंडिंग होगी बस, मतलब फोटो के लिए है ये। तो इधर जाएंगे ऊपर, इसके ऊपर फर्स्ट टाइम क्या होगा। अभी तो हम लोग जा रहे हैं इसके ऊपर। वो लड़की ज्यादा कर रही है, तरीके ना मैं काम, ये छुटकी गद्दारी नहीं कर रही, रितु गद्दारी कर रही है। आते टाइम भी की, अभी जाते टाइम भी कर रही है। नहीं कहीं भी बस लाइन में लग जा रही है बीच में। अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, आज हम लोग ज्यादा नहीं घूमे क्योंकि कल का घूम के अपना हालत हो चुका था खराब, इसलिए आज थोड़ा बस हल्का सा घूमे। कौन सा जगह घूमे? ऑर्किड लेक घूमे हैं, तो वो इतना ज़्यादा मैंने नहीं दिखाया, लेकिन थोड़ा बहुत दिखा दिया आप लोगों को क्योंकि हम लोग गए थे। तो इधर से हम लोग ये प्लान लेकर आए हैं, ये 50 रुपीज़ में इतना बड़ा साइज का इतना सारा दिया। उस दिन तो हम लोग आ रहे थे तो हम लोग को पहला दिन में ठग दिया था क्या? हाँ, सिर्फ 50 रुपीज़ का पांच दिया, एक का 10 रुपया से। और आज तो कम से कम इसमें है 15-16 पीसे, आज 50 रुपीज़ का इसका लिया, क्योंकि आज यहाँ के वाले लोग के साथ देख सकते कितना सुंदर है ये कलर, इतना मजा है ना, पूरा रेड है। अभी चलते हैं घर और देखते हैं आज का दिन पे और क्या क्या दिखाएंगे, वैसे दिन तो खत्म होने वाली है रात का। तो काफी देर से हम लोग पैदल चल रहे और अभी पूरा बोरिंग हो चुके हैं चलते चलते, क्योंकि इतना अंदर में हम लोग रुके हुए हैं। तो यहाँ डांसिंग वाशिंग भी हो रहा है रास्ते में। और हीरोइन लोग तो पीछे डांस कीजिए आप लोग, थोड़ा सबको देखना जरूरी है ना। मैं डांसिंग दिखाती थोड़ा ये रास्ते वाला डांस। एंजॉय के साथ पूरा रास्ता का मजा ले रहे है। उधर भी डांस होने लगी, ऐसा करा गया है। तभी हम लोग थोड़ा देर में पहुंचेंगे। शॉर्टकट मारने के लिए भैया हम लोग को एक शॉर्टकट रास्ता से लेकर आ रहे थे। ये शॉर्टकट तो बहुत भारी पड़ गया, देख सकते हैं। ये है शॉर्टकट रास्ता, पूरा यह नाली है इतना बड़ा और यहाँ पानी वगैरह लगे हुए है। फिर से शॉर्टकट रास्ता ढूंढा जा रहा है उधर कि कहीं से तो रास्ता मिल जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दूर तक आ चुके हैं ऐसे चल चल के। तब रिटर्न जाने का हालत भी नहीं है। ओमा कौन सा जंगल में घुसा दिए। काफी दूर चलते चलते फिर भी अपना हम लोग का घर नहीं मिला कि कौन से गली से अपना घर घुसना है, जो घर में हम लोग रुके हुए हैं। ये रास्ता बस मिल रहा है, कैसा लग रहा है रास्ता चल के? हम लोग का गांव का रास्ता जैसा ही है, कुछ भी फील नहीं होता है, मजा आ रहा है। रितु दीदी को मजा आ रहा है, लेकिन हमें थोड़ा अलग लग रही है क्योंकि हम लोग इतना ये सब रास्ते में कभी गए नहीं है। और रितु दीदी के घर जाते थे बस पत्थर वाला रास्ता में जाता थे, ये पत्थर वाला नहीं, ये कीचड़ वाला रास्ता है। शायद अभी रास्ता मिलेगा क्या? ये गली है कि कौन सा गली है? वैसे गली बहुत सारा गली है। ये है कि कौन है? ये भी नहीं है, हमको नहीं लग रही है। क्या पता भैया ले जा रहे फिर ये वाला रास्ता है बोल रहे, देखते हैं आगे क्या होता है। ये रास्ता भी नहीं होगा तो फिर आधा रास्ते से रिटर्न होना पड़ेगा। तो
अभी हम लोग आ चुके हैं घूम फिर के, तो अब समय है डिनर बनाने का भाभी के घर पे। और आज के डिनर स्पेशल में आप लोगों को बताई थी कि मशरूम की सब्जी बनेगी, तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी और फर्स्ट टाइम देखूंगी भी किसको कैसे बनाते हैं, तो आप लोगों से भी मैं शेयर करूंगी इसका रेसिपी कि भाभी कैसे बना रही है। चलते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये वाला मशरूम है, ये पूरा खेती में लगता है। तो अभी इसको भाभी कुछ इस तरह से छिल रही है, किस तरह छोटे छोटे काट रही है भाभी ना, छिल नहीं रही है, छिल भी रही है काट भी रही है, देख सकते हैं फूल गोभी की तरह दिख रही है पूरा एकदम। ये एकदम पहाड़ों में खेती में लगाया जाता है, तो कुछ इतने सारे हैं, ये सबको अभी बनाएंगे, तो इसको छीलने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसको पूरा छील के रेडी करके दिखाते हैं आपको फाइनल। बड़े फ्रिज में रखे थे बोल के बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ मशरूम को अभी पूरा अच्छी तरीके से छील के, मतलब ऐसे पतले पतले शेप में काट के और बॉयल के लिए रख चुके हैं। ये अभी कितने देर में बॉयल होगा भाभी, 5-10 मिनट बस, 5-10 मिनट बस इसको बॉयल करना है। और इधर भाभी रेडी कर रही है, उसमें क्या क्या ऐड करेंगी, इधर टमाटर, इधर प्याज, और प्याज के साथ इसमें जितना चिकन का मसाला डालते हैं वो सब कुछ डालेंगे बोल रहे भाभी। तो मैं आगे का आप लोगों को दिखाऊंगी, और फिलहाल मैं टमाटर और प्याज देखिए, और ये मशरूम देखिए, यहाँ सबसे पहले जीरा और लौंग इलायची का फोरन दिया और दालचीनी, तभी इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ प्याज हो चुके हैं फ्राई, तो अभी जो हम लोग मशरूम को बॉईल करके रखे थे उसको ऐड किए हैं, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा वैसे बोल रही है भाभी। तो मैं पूरा रेसिपी आप लोगों को शेयर करूँगी आज जैसा जैसे बना रही है। तो इसमें हल्दी नमक सब कुछ ऐड करके अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और टमाटर साथ भाभी मसाला कहाँ गया, इसमें मसाला भी अभी ऐड करेंगे। मसाला में है इधर 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 मसाला में है लहसुन और अदरक का पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर और जीरा गोलमरीच धनिया ना भाभी उसका पाउडर, तभी ये सबको ऐड करेंगे इसमें। यहाँ अपना मशरूम का सब्जी बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा और समय हम लोग इसको पकाएंगे, तो ये एकदम टेस्टी सा बन के रेडी। तो अभी हम लोग इसके साथ चावल और दाल खाने वाले, तो यहाँ अपना चावल भी बन रहा है एकदम, देख सकते हैं आप लोग चावल अभी एकदम मस्त से बन रहा है, और इसके साथ साथ दाल अभी ये सब बन जाएगा, उसके बाद करेंगे डिनर। आज का डिनर स्पेशल मशरूम की सब्जी, तो फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी मैं ये वाला। तो अभी अपना डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, और फर्स्ट टाइम मैं मशरूम खाई, काफ़ी टेस्टी लगा मुझे, मुझे पता नहीं था कि इसका स्वाद इतना टेस्टी होता है। और अलग अलग टाइप के भी इसको बनाया जाता है, लेकिन यहाँ जो सिंपल सा भाभी ने बनाया वो वाला स्टाइल में दिखाई। तो आज के ब्लॉग को हम लोग यही ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, और कल वाले ब्लॉग में क्या होगा अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, तो देखते हैं जो भी होगा आप लोग से शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक बाय एंड टेक केयर।